Oh, it's pretty. I love it. कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा. Hey guys. ऐसे नहीं, लाइट की तरफ पकड़ते. गिराइयो मत कैमरा. मुझे को डर लगा. मैं अपने हैंड्स और लेग्स का फर्स्ट टाइम लेजर कराने वाली हूँ, सो लेट्स गो. हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे. इसलिए आपको ऐसा हिलता हुआ कैमरा दिखेगा. आज मेरा रैंडमली मन कर गया, व्लॉग कर लेते हैं. हर मंथ मैं कोशिश करती हूँ एक व्लॉग तो आप सबके लिए बना ही लूँ, मोर लाइक अ वीक इन माय लाइफ. बिकॉज जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, एक दिन में इतना कुछ एक्साइटिंग नहीं होता मेरी लाइफ में, तो मैं वीक इन माय लाइफ कर लेती हूँ. सो हम अक्टूबर मंथ का वीक इन माय लाइफ कर ही लेते हैं. सो आज है करवा चौथ, आज थर्सडे है बाय द वे, इसलिए आपको थोड़ा सा करवा चौथ वाला गेटअप दिख रहा है मेरा. मैंने कथा भी पढ़ ली थी अपनी भाभी के साथ. मैंने फास्ट नहीं रखा है, रोका हुआ है, खाली शादी नहीं हुई तो फास्ट नहीं रखते हैं. फास्ट जब शादी हो जाएगी तब रखेंगे. और अभी खाली मैंने मेहंदी नॉन लगा ली, फर्स्ट टाइम मैंने करवा चौथ पर मेहंदी लगाई है. मैं कल जिम गई थी और जिम के बाद मेरा ऐसे ही मन कर रहा है, चलो देख के आती हूँ मार्केट में मेहंदी का क्या सीन चल रहा है. आई वाज लाइक खाली होगा ना तभी जाऊंगी, बिकॉज मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं वो बैठूं घंटे तक. बट थैंकफुली मुझे एक शॉप मिली है जो खाली थी, तो मैंने मेहंदी लगवा ली. मैंने उनको पिंटरेस्ट से इमेज दिखाई थी एंड या शी डिड एन एवरेज जॉब. आई थिंक वो बिगिनर काइंड ऑफ ही थी, सो उन्होंने ठीक ठाक ही बना दिया. मैंने उनको लेटर लिखने को बोला था इन अ स्टार, लाइक वो कहती हार्ट बना दूँ. एंड लाइक हार्ट बड़ा क्रिंजी लगेगा, और अब मैंने खुद वही हरकत कर दी. सो एट जेमिनी ट्रेड्स, सो या तो उन्होंने स्टार बनाया तो उन्होंने काफ़ी घुचर मुचर कर दिया. तो अब मैंने दोबारा अपनी नीज को मेहंदी लगाई ना, मैं आपको दिखाने वाली हूँ. मैंने वृतिका को मेहंदी लगाई है, मैं ही लगाई थी कल, भाभी ने लगाई थी तो उसका ही मन कर गया. सो आज हम सुबह गए मेहंदी का कोन लेके आए, मैंने उसको भी लगाई. तो मैंने अपना भी थोड़ा करेक्ट कर लिया, मैंने बीच के गैप में लेटर लिख दिया. नाउ इट लुक्स परफेक्ट एंड बेटर, एंड नाउ यू गाइज नो द लेटर. ऐसे दिखेगा ना वैसे. या दिस इज द मेहंदी. सो ये मेरी लेफ्ट वाली और ये मेरी राइट वाली मेहंदी है. रंग काफ़ी अच्छा है. सो या एंड मैं नॉर्मल अपनी रेगुलर कुर्ती पहन के बैठी हूँ, नथिंग फैंसी, बिकॉज ठीक है यार घर पे रहना तो इतने फैंसी कपड़े क्यों पहनने. मैंने जस्ट अभी कंटेंट भी शूट किया एक ब्रांड का, इसलिए मैं यहाँ स्टूडियो रूम में आई थी. सो मैं ना अभी नीचे ही जाने वाली थी, शाम को भूख लग रही थी मुझे, तो मैं दूध वूध चाय वाय लेने नीचे जाने वाली थी. जिम का मैंने प्लान कैंसिल कर दिया अभी, बिकॉज कल मैं सुबह जिम जाऊंगी. सो कल है मेरा लेजर हेयर रिडक्शन का सेशन. आपको अपडेट दे देती हूँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ. मैंने लेजर हेयर रिडक्शन का पैकेज ले लिया फुल बॉडी का, तो अब मैं धीरे धीरे करके एक एक पार्ट कराती रहूंगी. सो मैंने जो फर्स्ट टाइम कराया था 2 वीक पहले, वो मैंने अंडर आर्म्स का कराया था, और कल मैं करवाने वाली हूँ हैंड्स एंड लेग्स. मोस्ट प्रोबेबली यही कराने वाली हूँ, इसलिए मैंने अपनी ग्रोथ भी बढ़ाई हुई है अभी थोड़ी सी, बिकॉज उन्होंने बोला है कि आपको ग्रोथ बढ़ा के आना है, सो दैट हम एक बार देखें कि कैसी ग्रोथ है. उसके इंटेंसिटी के हिसाब से वो लेजर करते हैं, लेवल्स होते हैं अलग अलग लेजर करने के. सो या सो मैं कल लेजर के लिए जाने वाली हूँ. एंड लेजर में क्या होता है, उन्होंने बोला है लेजर करवाने के 2 दिन तक आप जिम नहीं कर सकते. मेरे व्लॉग्स में भी कंस्ट्रक्शन की नॉइज आती रहती है, बट नेवर माइंड. सो उन्होंने बोला है कि लेजर करवाने के 2 दिन तक आप जिम नहीं कर सकते. सो इसीलिए मैं फ्राइडेज को ही कराया करूँगी, सो दैट सैटरडे संडे मेरी छुट्टी हो जाए. सो कल मैं सुबह जिम जाऊँगी. अगर आपको ले जा सकी तो आपको भी ले जाऊँगी. एक मिनी व्लॉग बना रही हूँ तो वो भी इंसर्ट कर ही दूंगी. और उसके बाद मैं लेजर हेयर रिडक्शन सेशन के लिए जाऊँगी. उसके लिए मैं आपको लेके जाऊँगी, आपको दिखाने वाली हूँ कि लेजर हेयर रिडक्शन होता कैसे है बेसिकली. बट फॉर नाउ जो मैं कह रही थी, मैं नीचे जाने वाली थी लेकिन प्लान कैंसिल हो गया, बिकॉज अभी बजी थी घंटी और उन्होंने बोला अमेजोन से पार्सल लाया आपका. और मैं ऊपर से ना, यहाँ पे बाल्टी होती है तो मैं वो लटका के पार्सल लेती हूँ. सो आई वाज लाइक इसमें डाल दो. एंड द गाय वाज लाइक 6 पार्सल है मैडम. और मुझे खुद नहीं समझ आया कि मैंने 6 कब ऑर्डर कर दिए. सो या मैं अमेजोन के साथ काम करती हूँ तो मुझे ऑर्डर करने पड़ती हैं चीज़ें फॉर वीडियो कॉन्टेंट एज वेल. और आई थिंक 2 या 3 दिन पहले मैं थोड़ी सी पागल हो गई थी, मैंने कुछ ज़्यादा सामान ऑर्डर कर दिया. उन्होंने एक साथ क्यों आया, आई थिंक अमेजोन पर जब मैं क्विक डिलीवरी नहीं चूज़ करती ना तो कुछ एक ऑप्शन होता है कि एक साथ आराम से आ जाए. सो मुझे पार्सल इतने जल्दी चाहिए भी नहीं थे, सो मैंने ऑर्डर कर दिया. सो व्लॉग कर रहे हैं तो एक मिनी सा अमेजोन हॉल ही बना लेते हैं. आजकल मैं ज़्यादा हॉल नहीं बनाती, और मुझे कमेंट्स भी आते हैं कशिका दी आप आजकल हॉल्स एंड ऑनली बनाती, बिकॉज यार हॉल्स के लिए ना फिर बहुत सारा कुछ लेना पड़ता है, एक डेडिकेटेड वेबसाइट से, और आजकल मैं वैसा लेती नहीं हूँ. सो इसलिए मैं इतने हॉल्स नहीं बनाती, बट एक मिनी अमेजोन हॉल तो कर ही सकते हैं. सो लेट्स गो. ओके, बैक टू माई ओजी सेटअप एंड माई स्पेक्स, बिकॉज मैंने लेंस ही पहने, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था. आजकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पूरा वसूल कर रही हूँ, बिकॉज दिवाली के बाद तो हटाना ही पड़ेगा ना. सो इसलिए यहीं पे शूट करते हैं, फटाफट से खोल के देखते हैं. एक तो बैग है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मुझे 2 या 3 दिन पहले एकदम चुल उठी रात को 2 बजे कि मुझे व्हाइट कलर का बैग चाहिए. आई डोंट नो कैसे, बट हुआ मेरे को कि मुझे व्हाइट कलर का बैग चाहिए. मैं सबसे पहले वही खोलती हूँ बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड. एंड मैंने इतना ढूंढा अमेजोन पे, मतलब मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था. मैंने एक्सेसराइज अलग अलग ब्रांड्स के एक्सप्लोर कर करके
देखे, फिर मुझे एक्सेसराइज में ना मैं एक ऑलमोस्ट लेने वाली थी, लेकिन मुझे वो ओके ओके लग रहा था, इतना अच्छा ही लग रहा था। सो उसके सजेशन में मुझे बैग दिखा और मैंने इंस्टेंटली ऑर्डर डाल दिया। आई होप ये वैसा हो। लेट्स सी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस वाले बैग के लिए। वाइट बैग इज समथिंग जो आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है और मुझे चाहिए था स्पेशियस बैग। इफ यू गाइज नो देन आई एम ऑल अबाउट प्रैक्टिकल फैशन। मुझे वो दिखावे के छोटे छोटे बैग नहीं पसंद। आई कैरी अ लॉट ऑफ स्टफ, टचअप के लिए भी, पावर बैंक, बहुत चीजें होती हैं, तो मेरे को ना छोटे बैग पसंद नहीं है। ओह इट्स प्रिटी, आई लव इट कि अच्छा स्पेशियस बैग है, लेकिन एट द सेम टाइम इतना बड़ा भी नहीं है, मेरे बॉय टाइप पे एकदम परफेक्ट ही जाएगा। सो ये वाइट कलर कुछ इस तरह से बैग है। मेरे पास एक्सेसराइज का ऑलमोस्ट इसी डिजाइन का एक शिमरी बैग है, मतलब वो थोड़ा सा शिमरी इंडियन वाला है, वो मैं इंडियन वेडिंग्स एंड ऑल में कैरी करती हूँ। एक बार क्वालिटी चेक कर ले, बिकॉज काफी बार अमेजोन सेल पे ना थोड़ा बहुत झोल कर ही देता है, बट ये अटिल नाउ द क्वालिटी इज नाइस। एंड यहाँ पे लॉक वाला है, वंस यू ओपन इट यहाँ पे सारा वो दिया हुआ है। We have a whole chain and the best thing is जो यहाँ पे strap आता है ना, जो ऊपर कंधे पे आता है, वो यहाँ पे इन्होंने belt दी हुई है, तो चुभेगा नहीं मेरे को, that is a nice thing। सबके links भी आपको दे दूंगी। तो ये मुझे long कुर्ता दिखा, मुझे दिवाली के लिए बहुत अच्छा लगा। इस बार मुझे दिवाली पे ना वो red, pink and all नहीं पहनना था, मुझे कुछ greenish में पहनना था। So this is the long कुर्ता and the best thing is ये cotton का है। मैं दिवाली होती है, जब भी ऐसे वाले festivals होते हैं ना, मैं synthetic polyester नहीं पहनना prefer करती। एक तो uncomfortable होता है, ऊपर से दिवाली पे इतना काम वगैरह होता है ना, तो नहीं हो पाता। दिस इज द कुर्ता, बहुत अच्छा पे काम भी जा रहा है इसमें एंड पूरा ये ऐसे लॉन्ग में जा रहा है। आई थिंक मेरी हाइट के हिसाब से परफेक्ट है। जो भी लोग मेरे से पूछ रहे थे, माई हाइट इज अराउंड 5'1", तो मुझे ऐसे वाले कुर्ते ना एकदम फुल लेंथ आते हैं। मेरे पे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई शॉर्ट कुर्ता डाला हुआ है। कमिंग टू द नेक्स्ट पैकेट, ये मैंने एक सेट ऑर्डर किया है, ये मुझे बहुत क्यूट लगा। ये एक शरारा टॉप और पैंट्स का सेट है, ये मुझे बहुत अच्छी डील में मिल गया था अमेजोन से। ये एक शॉर्ट कुर्ती है, मुझे बड़ी प्रिटी लगी, बड़ी गर्ली गर्ली। अगर आप थोड़ा सा यंग हो ना, आपको थोड़ा गर्ली में कुछ दिवाली पार्टी के लिए आउटफिट चाहिए, सो दिस इज वेरी नाइस। इसके बॉटम पे ऐसे जा रहा है सारा, जैसे गोटा एंड ऑल का काम होता है, एंड फ्रंट से दिखती है कुछ इस तरह से। बड़ी प्यारी सी क्यूट सी शॉर्ट कुर्ती है एंड इसके साथ आपको मिलती है ये पैंट्स, पूरी लॉन्ग ऐसे शरारा पैंट्स होती है ना। सो दिस इज द पैंट एंड नीचे तक जा रही है। अगेन कॉटन मटेरियल है, वेरी नाइस मटेरियल। ये मुझे बहुत अच्छी डील पे मिल गई थी, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। पर थर्ड जो मैंने खोला है, इसमें क्या है? ओह, इसमें मेरी चप्पल है। मेरी रिसेंटली डॉक्टर सोल की चप्पल टूट गई और उन्होंने मैंने अमेजोन से ही ली थी, आई थिंक 2 साल पहले के अराउंड ली थी मैं, और मैंने सेम ब्रांड की वो रीस्टॉक कर ली है। आई लव दीज चप्पल, मैं घर में डॉक्टर सोल वाली पहनती हूँ। यस, मेरी वो उम्र आ चुकी है कि मैं डॉक्टर सोल वाली चप्पलें पहनूँ। मैं कितनी अजीब लग रही हूँ, पर ठीक है, कशिका व्लॉग्स में ऐसे ही लगते हैं। ओके, सो दिस इज द चप्पल, दिस इज माई डॉक्टर सोल वाली चप्पल। ये थोड़ी हार्ड लग रही है मेरे को, या वो वाली सॉफ्ट थी, हार्ड क्यों इतनी, आई डोंट नो। ये उनकी बेस्ट सेलर में से थी और उसमें वो वाली स्मेल आ रही है, वो जो जूते की शॉप पे स्मेल नहीं आती वैसी वाली स्मेल आ रही है। मैंने अगेन ब्लू डार्क कलर में ही मंगाई है, सो दैट खराब, मतलब थोड़ी डर्टी भी हो जाए इसकी पता नहीं चलती डार्क कलर में। ओके, नेक्स्ट पैकेट खोलते हैं। ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या है, आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही चीजें शॉप कर ली रिसेंटली और मैं खुद भूल गई मैंने क्या ऑर्डर किया था, बट या Let's go। ये उसका है इंडिया का, या मैंने इंडिया का स्टफ ऑर्डर किया था। सो इफ यू डोंट नो इंडिया या इंडिया, आई डोंट नो, मैं इंडिया स्पेल प्रोनाउंस करती हूँ, काफी लोग उसको इंडिया भी बोलते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर ले। या सो उसी की ब्रांड है फैबेली। सो फैबेली का मैंने जंप सूट ऑर्डर किया है, इसके भी रिव्यूज काफी अच्छे थे, मुझे बड़ा ना बॉस लेडी वाली वाइब्स दे रहा था। जो पिक्चर मॉडल थी ना, मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगी, वो एकदम बॉस लेडी वाली वाइब्स दे रही थी, तो मैंने ये वाला ऑर्डर किया है। स्टफ इज क्रेप, जो कॉटन ऐसे वो पॉलिएस्टर मिक्स टाइप होता है ना, क्रेप वैसा स्टफ है, और मैंने इसमें एस ऑर्डर किया है। आई डोंट नो एस आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा या आ जाएगा। इसमें मीडियम नहीं था और मुझे ये डील पे मिल रहा था अमेजोन की डील पे, और कभी भी ऐसा होता है ना, जब डील चल रही होती है कुछ ना कुछ बहुत सस्ते मिलता है, तो मैं स्मॉल मीडियम में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेती हूँ। मीडियम मिलता है मीडियम ले लेती हूँ, स्मॉल मिलता है स्मॉल ले लेती हूँ। स्मॉल मुझे आ जाता है ऑब्वियसली, लेकिन मेरा थोड़ा सा टमी फैट का इशू है, ब्लोटिंग ज्यादा ना, तो इसलिए मुझे मीडियम लेना पड़ता है। इस तरह से अगेन ये जो स्लीव्स हैं ऐसी हल्की सी पफी वाली है, काफी अच्छा कॉर्पोरेट लुक दे रहा है। आई थिंक अगर आप कुछ ऑफिस के लिए देख रहे हो ना, यू कैन गेट इट, बिकॉज की एक अच्छी फॉर्मल लुक आ रही है। गेट अ बेल्ट एज वेल, बेल्ट नहीं है मतलब, या इट्स अ प्रॉपर बेल्ट, ऐसे आपको सेम कपड़े की जैसे हुप में मिल रहा है, सो उससे आप बंद भी कर सकते हो। रियली लाइक इट, इसमें पॉकेट भी है क्या? या इट हैज पॉकेट एज वेल, ये पॉकेट तो यार जन्नत। एक मैंने ब्लाउज ऑर्डर किया है, मेरे पास येलो कलर की ना एक स्कर्ट है, गोल्डन टोन में एक स्कर्ट है, और अभी काफी शादियां नॉल आने वाली है, दिवाली के बाद शादी का साया शुरू हो जाता है ना, तो अभी डील पर मुझे ये ब्लाउज मिल रहा था। अगेन ये छोटे साइज का मिल रहा था, आई गेस एस मैंने, या ये एस साइज में डील मिल रही थी, तो मैंने ये ऑर्डर किया है। बड़ा प्यारा एकदम मस्टर्ड कलर का ब्लाउज है, और ऐसे गोल्डन गोल्डन कलर का इस पे काम हो रहा है, लुक्स वेरी प्रिटी, सुंदर लग रहा है यार। इंडिया के जो ब्लाउजेस होते हैं ना, वो ऐसे सेक्सी सेक्सी नहीं होते, बैकलेस एंड ऑल होंगे, काफी ऐसे कंफर्टेबल होते हैं। जस्ट देन
हाय गाइस, लाइट जा चुकी है और एक चेप बच्चा आ चुका है। एक चीज दिखाऊं तेरे को, ये देख। क्या? इस पैसे इसके ऊपर हाथ लगा। दिखाई थी मुझे वीडियो, कह दी ना मैंने। अच्छा ना कितना, ये मैक के पीआर में आया था। टैप टैप टैप, अंधेरे में तो और अच्छा लग रहा है ना यार। दिख नहीं रहा, इधर हो ना। गाइस यहाँ आ जाओ। वाओ, मैंने बनाया यूनिकॉर्न, जो आगे से पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, पर चलो कोई नहीं यार, आई ट्राइड। मैं इतनी अच्छी नहीं मेहंदी में। हेलो किटी बनाया है, हेलो किटी। इधर ये इसने जो बोला था वैसे वैसे बनाती है, इसने कहा ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दिया मैंने। कैसा लग रहा है प्रतिका? तूने व्रत भी रखा है? नहीं। फिर क्यों लगाई है मेहंदी? तो आपने क्यों लगाई है? आप रख रहे हो ऐसी? मैंने भी ऐसी। मैंने तो अपने प्यार के नाम के लगाई है। तूने तो लिखवाया मम्मा और दृशा का DN निशा एंड दृशा। देखो मुझे पकड़ना है कैमरा, वीडियो बनाऊंगी मैं। ये अपनी तरफ, आपकी तरफ आप वीडियो बनानी है। ऐसे पकड़ते हैं ना। हे गाइस, ऐसे नहीं, लाइट की तरफ पकड़ते हैं। गिराइयो मत कैमरा, मुझे को डर लगा भाई। भाई गिराइयो मत, यहाँ मत पकड़ो, फिर पकड़ लो, डर लग रहा है, बहुत ही भारी है वो। लाइट कितनी खतरनाक लग रही है वो। चलो अब हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, बाय बाय। मोमेंट्स लेटर। क्वालिटी थोड़ी खराब है, मतलब मैं वेट तो ऐसे कर रही हूँ, मैंने फास्ट रखा है। टू मिनट्स वाला मेकअप किया है मैंने बिल्कुल आज, जल्दी जल्दी। दिख भी नहीं रहा है लाइट में, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। रेड रेड नाइस यार, इतना बुरा नहीं लग रहा। I'm back home and time for a quick skincare routine. I thought vlog कर रहे तो शेयर भी कर लेती हूँ कि आजकल मैं रात को क्या skincare routine फॉलो कर रही हूँ, और ये डर्मैट अप्रूव भी है, इनफैक्ट प्रिस्क्राइब भी है, जो डर्मैट ने मुझे फॉलो करने को बोला है। सबसे पहले एक माइसेला वाटर यूज़ कर रही हूँ, ये बायोडर्मा का है, काफ़ी जेंटल है, इससे मेकअप रिमूव भी हो जाता है। मैंने पहले ही मेकअप रिमूव कर लिया था, फिर मुझे याद आया ओ माई गॉड आई एम व्लॉगिंग सो वाई नॉट शूट फॉर यू गाइज। फॉलोइंग इट अप विद फेस वॉश, ये भी बायोडर्मा का है, CBM जेल मूसॉ, अमेजिंग फेस वॉश, दिस इज अल्ट्रा जेंटल सोप फ्री फॉर्मुलेशन है। इसका pH लेवल काफ़ी अच्छा है, 5.5 का, स्किन का को ड्राई आउट नहीं करता, स्ट्रिप ऑफ फील नहीं कराता, इनफैक्ट ये क्लेम करता है 88% नो सेंसेशन ऑफ टाइटनेस, प्लस ये 83% सीबम रिडक्शन में भी वर्क करता है, तो जो भी ऑयलीनेस होती है उसको काफ़ी अच्छे से कम कर देता है। इट्स लाइक अ वेरी जेंटल एंड इफेक्टिव फॉर्मुलेशन, इट हैज जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट दैट क्लेंजेज योर स्किन रियली वेल, एंड ओवरऑल ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, नॉन ड्राइंग है एंड सो फ्री, और ये स्पेसिफिकली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बना है। आई लव इट, जब उससे फेस क्लीन भी करो ना तो ऐसा सूखा सूखा वाली फीलिंग नहीं आती। नाउ कमिंग टू द मेन स्टेप, जो ट्रीटमेंट स्टेप है, सो मुझे MWF और TTS का अलग अलग शेड्यूल मिला है, सो उस दिन मैं ये वाला शेड्यूल फॉलो कर रही थी, थर्सडे वाला बेसिकली। सो इसमें बायोडर्मा की नाइट क्रीम लिया मैंने, ये भी मुझे डर्मैट ने यूज़ करने को बोली है, और इसके साथ उन्होंने एक ट्यूब बोली थी मिक्स करने को, 2:1 की रेशियो में बेसिकली, खाली मुझे लाइक कॉइन साइज अगर मैं नाइट क्रीम लिया तो हल्का सा एक ड्रॉप मुझे उस क्रीम का डालना है। वो एजिलिक एसिड की हुई क्रीम है, लेकिन वो प्रिस्क्राइब्ड है, तो मैं वो आपको ऐसे नहीं बोलूंगी, बट ऑब्वियसली बायोडर्मा वाली जो नाइट क्रीम है वो आप ले सकते हो, वो
लाइक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी आप इजिली ऑनलाइन परचेज कर सकते हो. सो उसको मिक्स करके मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ. ये जो एजिलिक एसिड बेस्ड जो मैंने उसके अंदर डाला है ना, वो स्पेसिफिकली एक्ने मार्क्स को टारगेट करता है, जो भी रेडनेस मार्क्स होती है और जो एक्ने के बैक्टीरिया होते हैं उसको भी किल करता है. सो ये तो वैसे बेसिक रूटीन जो डर्मेट का रिकमेंडेड था वो पूरा हो गया, लेकिन मैं आजकल क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा वेरिएशन, बिकॉज मुझे भी थोड़ी नॉलेज है यार. सो क्या होता है ना, ये जो डर्मेट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं प्लस ट्रेटिनॉन का कोर्स चल रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ गई है माउथ के साइड पर. नोज़ मेरी बहुत ज़्यादा पील होने लग गई थी, अजीब से साइड में फ्लेकी फ्लेकीनेस हो रही थी. तो अब मैं ये ट्रीटमेंट वाले प्रोडक्ट्स नोज़ पे नहीं यूज़ करती. मैंने यहाँ पे कॉसारेक्स का स्नेल एसेंस म्यूसिन जो था ना वो यूज़ किया नोज़ पर, और इसने काफ़ी अच्छे से वर्क किया है, मेरी पीलिंग काफ़ी कम हो गई है. और अपनी आईब्रोज़ के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये, नॉट फॉर माई आईब्रोज, बेसिकली फॉर माई लैशेज. मैं इसको अच्छे से अपनी लैशेज पर लगाती हूँ. ये है बेलावीटा ऑर्गेनिक का ग्रो ब्राउ. ये बेसिकली ऑयल है जो आप लैशेज पर लगा सकते हो, अपनी आईब्रोज पर भी लगा सकते हो, फुलर लुक में हेल्प करता है. और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ये डॉटन की का स्लीपिंग मास्क, लिप स्लीपिंग मास्क. बेसिकली लिप्स मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो चुके हैं, तो आज के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आता है. एंड दिस इज माई क्विक सन नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इट्स द नेक्स्ट डे. आई एम रेडी फॉर द जिम. मेरे से सुबह सुबह जिम नहीं होता, बट क्या करें यार, करना पड़ेगा. मेरी अपॉइंटमेंट है 12:30 बजे हेयर रिडक्शन की, एंड उसमें आप उसके बाद ना 48 आवर्स तक कोई हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी जिमिंग एंड ऑल नहीं कर सकते. और मैंने कल भी छुट्टी ले ली थी, कल करवा चौथ था, पता नहीं मैं भी आलस में नहीं गई जिम. और आज भी अगर नहीं गई उसके बाद 2 दिन तक और नहीं जा पाऊंगी. सो 5 डेज का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है. उसके बाद फिर मंडे से दोबारा पिकअप करना ना, फिर बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है. सो आई थॉट उठ जाते हैं यार, 10 बज रहे हैं, मैंने पूरी कोशिश करी. मेरे से पता नहीं क्यों सुबह जिमिंग नहीं होती, मेरे को एनर्जी नहीं मिलती. मैं अभी डार्क चॉकलेट खाने वाली हूँ, मैंने एप्पल ले लिया, मैं डार्क चॉकलेट खाती हूँ, थोड़ी सी एनर्जी मिले हमें. एंड नाउ लेट्स हिट द जिम. टाइम फॉर माई लेज़र हेयर रिडक्शन सेशन. आज मैं अपने हैंड्स और लेग्स का फर्स्ट टाइम लेज़र कराने वाली हूँ. सो लेट्स गो. ओके, सो लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू होता कैसे है. सबसे पहले शेविंग की जाती है. आपको लेज़र जब आप कराने जाते हो आपको हेयर ग्रोथ बढ़ा के जाना होता है, सो दैट वो एक बार देखें कि ग्रोथ के पैटर्न क्या है. बट स्टिल वो पहले शेव करते हैं पैटर्न देखने के बाद बेसिकली. फिर मार्किंग की जाती है, बिकॉज छोटे छोटे बॉक्सेस बनाते हैं ताकि हर एक बॉक्स में अच्छे से इंटेंसिटी के हिसाब से वो लेज़र करें. पर्टिकुलर टाइम के लिए उनको लेज़र करनी होती है, और जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होती है वहाँ पे अलग तरह का इंटेंसिटी होती है, जहाँ पे कम होती है वहाँ अलग होती है. फिर ये आई स्कूल जेल लगाते हैं, उसके बाद ये मशीन के थ्रू लेज़र की जाती है हर एक सेक्शन
ऑपरेशन में तो काफ़ी टाइम लगता है, इट्स नॉट अ क्विक वाली प्रोसेस. लाइक मुझे लेग्स, हैंड्स, फ्रंट और बैक भी मैंने कर ली थी, बिकॉज वो कह रहे थे करवाई लो आज ही, तो मैंने वो भी करवाई ली थी. मैंने फुल बॉडी का पैकेज लिया हुआ विदाउट फेस बाय द वे. सो ये पूरी प्रोसेस होती है. फाइनली माई बॉडी लेजर इज डन. आई थिंक ऑलमोस्ट कितने 1.5 या 2 घंटे लगे हैं, बट आई एम हेयर फ्री. ऐसा लग रहा है मैंने 2-3 किलो लूज कर लिए हैं, बिकॉज यार जब शरीर से बाल निकल जाते हैं तो काफ़ी लाइट फील होता है. या अभी तक तो अच्छा फील हो रहा है. मैं डेफिनेटली पूरी एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस हेयर ग्रोथ पैटर्न, क्या होते हैं प्रोस कॉन्स, डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड आई एम बैक होम, चेंज टू माई सुपर कम्फर्टेबल क्लोथ्स. उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कुछ भी सिंथेटिक पॉलिएस्टर का टाइट नहीं पहनना, ढीला ढीला पहनना है. और कुर्ता ही मैंने बिल्कुल ये लूज लूज वाला पहना हुआ है. आई गॉट माई हैंड्स, लेग्स, बैक एंड फ्रंट लेजर डन. एंड जो भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन एंड ऑल है आप इस वीडियो के नीचे डाल सकते हो, या फिर मैं सेपरेट Q&A करूंगी. मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ, बिकॉज आई नो बहुत लड़कियों को इसके डाउट हैं, क्या होता है, कैसे होता है, प्रोसेस क्या होती है, डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, मेरा पर्सनल कैसा एक्सपीरियंस रहा, रिजल्ट दिखते हैं या फिर नहीं दिखते. तो उसकी मैं वीडियो सून बनाऊंगी. अभी मेरा थोड़ा सा फेस्टिव मंथ का कंटेंट चल रहा है, तो अभी टाइम नहीं है. और मैं थोड़ा सा टाइम देना भी चाहती हूँ. आई रियली वांट टू सी माय सेल्फ हर एक पार्ट पर क्या ग्रोथ का पैटर्न रहा है, क्या चीज़ें रही है, वो पूरा जब मैं एक्सपीरियंस करूंगी तो फिर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी. इसलिए मैं अभी ज़्यादा नहीं बोल रही, अभी खाली मुझे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं जो उन्होंने बोला है. The next day. Hello, it's the next day again. I'm in my ढीला ढीला कुर्ता. मैंने जस्ट अभी बात लिया, बिकॉज मैं ऊपर गई थी स्टूडियो रूम में और ऊपर बहुत गर्मियाँ जाती है, मुझे पसीना आ गया था. मैं फटाफट नीचे आई, मैं नहाई. उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि 2 या 3 दिन तक तो आप बिल्कुल भी गर्म पानी से ही नहा सकते हैं. एंड आई एम समवन जो गर्मी में भी गर्म पानी से नहाती है. सो आज जब मैं ठंडे पानी से नहाई हूँ ना, ऐसा हो गया, बट आई नहा ली बिकॉज उन्होंने बोला है 2-3 दिन तक आपको बॉडी अच्छे से क्लीन भी रखनी है. उसके बाद जो उन्होंने मेडिसिन दी थी, ट्यूब एंड ऑल दी हुई है, ये मैंने अच्छे से पूरी बॉडी पे लगा लिया. मतलब जहां जहां लेजर हुई है वहां पर मैंने अच्छे से इस मेडिसिन को लगा लिया है. अगेन वेयरिंग दिस ढीले ढीले कुर्ते, ये ब्लैक ढीला वाला, ये कुर्ता भी ढीला, ये मेरी मॉम लेके आती है इतने सारे लोकल मार्केट्स और मैं कभी नहीं पहनती थी. आई वाज लाइक कौन पहनेगा ऐसे ढीले ढीले कुर्ते, और अब ये फाइनली काम आ रहे हैं बिकॉज कॉटन के और ब्रीदेबल है ना. ज्यादा स्किन टाइट फिटेड पॉलिएस्टर कपड़े अभी बिल्कुल नहीं पहने. सो एज आई टोल्ड यू, वीक इन माई लाइफ काइंड ऑफ व्लॉग है. वैसे 3 दिन का ही बना पाए बिकॉज इतना एक्साइटिंग इतना कुछ हुआ नहीं. आज भी कुछ नहीं होने वाला, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही और कल भी कुछ होने वाला, कल भी मैं घर ही रहूंगी. पैच मुझे उतारना पड़ेगा, ये होने वाला. ओके, सो दिस वाज माय क्विक अपडेट ऑन माय लेजर हेयर रिमूवल, हेयर रिडक्शन. हेयर रिमूवल नहीं बोलते, या पहले क्या होता था वो लेजर हेयर रिमूवल बोला करते थे, लेकिन ये रिमूवल नहीं होता बिकॉज जब आप सेशन लेने बंद कर देते हो, लाइक अभी मेरे 6 सेशन चलेंगे जो नेक्स्ट ईयर तक आराम से चलेंगे. उसके बाद अगर 1-2 साल के बाद मेरी शायद अगर ग्रोथ दोबारा आने लग गई, विच कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन हॉर्मोन्स एंड अदर फैक्टर्स एज वेल. लाइक वो जो लेडी थी, मैं उनसे लेजर कराते हुए बातें कर रही थी, तो शी सेड बहुत फैक्टर्स पे और भी डिपेंड करता है. फ्यूचर में आपका बेबी होगा, जो भी होगा, उससे भी बहुत चीजें आपकी फ्लक्चुएट होती है, तो हेयर ग्रोथ पैटर्न चेंज होता है. सो जो आपके सारे 6 के 6 सेशन होते हैं ना, उसके बाद आप फ्यूचर में जाके टचअप्स ले सकते हो कि आपको जहां जहां लगा पैचेस में ग्रोथ आ रही है, आप टचअप ले लो. उसके लिए आप अलग से पैकेज ले सकते हो. बाकी मैं पूरी वीडियो बनाने वाली हूँ ऑन लेजर हेयर रिडक्शन. एक छोटा सा व्लॉग था जस्ट टू अपडेट यू गाइस कि कैसा रहा. अभी तक कुछ मुझे हो नहीं रहा है, यू कैन सी माय स्किन इज काइंड ऑफ क्लीन. थोड़ी सी बम्पी बम्पीनेस हो रही है कुछ कुछ एरियाज में, लाइक हैंड्स के कुछ कुछ एरियाज में से बम्पीनेस है. जैसे आप वैक्सीन कराते हो ना, उसके 1 दिन तक एक बम्पीनेस रहती है, वैसी मुझे हल्की सी बम्पीनेस हो रही है, लेकिन अभी तक और कोई इशू नहीं आ रहा, टच वुड, अभी तक सब ठीक है. ये 2-3 दिन ये पूरे प्रिकॉशंस मुझे लेकर चलने हैं, सो मैं अच्छे से फॉलो करूंगी. दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट महीने में एक ब्लॉग तो आपके लिए बनाई दूं, बिकॉज या आई सक एट ब्लॉगिंग, लेकिन मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ. सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट. और इस वीडियो में मैंने जो भी प्रोडक्ट्स की बातें करी हैं स्टार्ट से लेके एंड तक, मैंने किसी भी अगर किसी प्रोडक्ट्स की, कपड़ों की, आइटम्स की बात करी होगी, उन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. मैंने जो अपना स्किन केयर रूटीन भी शेयर किया डर्मैट वाला, उसके भी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.